राम राम मारी सगली सहेलियां, मारवाड़ी सहेली चैनल पर आपरो स्वागत है। सारा बड़बड़ोलिया और नई नई जानकारी रे वास्ते आपने मारवाड़ी सहेली चैनल ने सब्सक्राइब नहीं करियो तो सब्सक्राइब कर लीजो, ताकि आपानो साथ है वो हमेशा बनियो रहे। आज अपना माँ रमीना में अवनाली तिलकुटा चौधरी कहानी सुनाला। तो एक नगर रे महीने एक साहूकार और साहूकारनी रेवता, बस दोनों ही जना है जिका आपका न कोई धर्म पूर्ण करता न कोई दान और व्रत करता, बिनी वजह बाण घर रे महीने कोई संतान को नहीं हुई। जना एक दिन बा आप रे पड़ोसन रे घरे गी, जना आगे बा पड़ोसन है जिकी मारी चौथ करियोड़ी ही बिर व्रत करियोड़ो हो और बा कहानी सुने बैठी बैठी। तो साहूकार ने पूछियो कि थे ओ काई करो हो, जना बा पड़ोसन बोली कि आज मार तो चौथ रो व्रत है जो मैं कहानी सुनू हूँ। जना साहूकार ने पाछो पूछियो कि इन्हें सुनबाऊ काई व्या करे, क्यों करिया करे वो व्रत। जना पड़ोसन बतायो कि चौथ को व्रत करे जना चौथ माता अन्न देवे, धन देवे, संतान देवे। जना बा साहूकार ने बोली कि मैं भी नाई रह जाऊं तो सवा शेर को तिलकुटो करूंला और चौथ रो व्रत भी करूंला। वह आगले महीने बा तो आपकी नाई रहेगी। जना साहूकार ने पाछी बोली कि मारे बेटो उजावे तो मैं ढाई शेर को तिलकुटो करूंला। वह दिन पूरा उयार के भी लड़को भी उगो, भाभी कालो बेटो ब्याह वाला उगो। जनाबा एक दिन चौथ माता बोली कि हे चौथ माता, मार बेटा रो ब्याह हो जावे तो मैं सवा मन रो तिलकुटो करूंला। वह बेटा रो ब्याह भी मंडगो और बे लोग जिका बारात लेर गया। जना चौथ माता सोची कि आ तो अजक आपकी जदू नाई रही है, जदू तिलकुटो बोल रही है और कहियो एक ही कोनी, अब तो अजक आपकी बेटा ने ब्याह करबा तई लेर चली गई और आज मैं इन कोई चुटकलो नहीं दिखायो तो ई कलियुग रे महीने मन तो कोई कौन पूजे गयो। चौथ माता सोचे कि पस तो आपा ने कोई माने ही कोनी क्यों। जवाब बठिन भी काला बेटा का जो का तीन फेरा ले लिया वो बेटो और चौथो फेरो लेवल लागो, जितेक तो गरजतीर गाजतीर चौथ माता आई और बिबीन ने उठाई और एक पिंपल पर बिठा दियो। वह फेरा में हाहाकार मच गो, सब कोई बींद ने हेरे लागो करे बींद कटे गियो, बींद कटे गियो। वह चारू मेर हेर ली और वो बींद लादो कोनी जनसे आगता होगा। यहाँ कटना कटना तीन चार महीना निकलिया। वह तीन चार महीना पचे गणगौर आई, जना भी नगर की जी की कंवारी कन्या ही बे सारी गणगौर पूजबा तई गी। जना गांव बारे पिंपल हो भी पिंपल रे पेड़ रे नीचू बे धूप उग्योड़ी जो वे धूप तोड़बा गई। बे नगर की बाया है जी की आपकी 16 दिन तई धूप तोड़बा तई भी पिंपल रे नीचे जावे। अबे पहले दिन गी तो भी पिंपल रे ऊपरू आवाज आई कि आए मारी अदब्योड़ी, आ सुनर बिर मायनू एक बाई ही जी की बाप की सूखनी पड़गी। जना भी बाई की माँ बोली कि बेटी मैं तन चोखो गालू चोखो खुआऊं, आपने कहीं कमी भी कोनी, फिर तू क्यों सूखनी पड़ रही है क्यों। जना बाबाई बोली कि माँ मैं जद मैं दूब लाबा तई भी पिंपल के नीचे जाऊं, जना भी पिंपल रे ऊपर हूं एक जनो है जो को बींद का कपड़ा पेरियोडो और बैठियो है, हाथा में मेहंदी लागियोड़ी है, माथा में सेवरो बांधियोड़ो है और रोजीना मन देख कर बोले कि आए मारी अदब्योड़ी। जना माँ है जी की आपकी बेटी की बात सुन और भटे जार साचियानी देख के तो आगे भी कोई जवाई है जी को भी पिंपल पर बैठियो है। जना बाजार बोली कि मार बेटी ने अदब्योड़ी कर और थे अठार क्यों बैठिया हो। जना बो बींद बोलियो कि मैं तो चौथ माता के गेन पड़ियो हूँ, मारी माँ है जी का तिलकुटा बोलती गी करियो एक ही कोनी, बिसु चौथ माता है जी की नाराज होगी और मने फेरा मुँह उठार लार अठ बिठा दियो, अब मैं अठू उतर कौन सकू क्यों। जना बाबी बाई की माँ है जी की बटू ही हागे पगा भी बींद की माँ रे कने गई और भी नजार सारी बात बताई। जना साहूकार ने बोली कि हे चौथ माता, मार बेटो आ जावे तो मैं ढाई मन को तिलकुटो करूंला। वह भी बाई की माँ ही जी की भी बोल दी कि भाई बुवार जुआई अज्ञा तो मैं भी ढाई मन को तिलकुटो कर दूंगा। जना चौथ माता राजी होगी और बिन पाचो लार फेरा कमाए ने बिठा दियो, बाप के बेटा को ब्याह कर लियो और पच बेटा ने बून ने लेर घरा आएगी। बेटा बून ने घरे लार खूब धूमधाम है जी को चौथ माता रो तिलकुटो करियो और फिर सारी नगरी रमाइनी हेलो फेरा दियो के सब कोई चौथ माता रो व्रत कर जो और तिलकुटो कर जो, के हे चौथ माता बीर बेटा बहु ने मिला या अभी यही सब ने मिला जो, कहानी कहता सुनता हुकारा भरता आपने सारा परिवार ने मिला जो। काल अपा और मिला ला एक नई कहानी रे साथे, तब तक आप रो ध्यान राख जो। धन्यवाद।